Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss about the elements of quantum mechanics, that is the basic of quantum mechanics. So first of all, I discuss the inadequacy of classical mechanics. This is inadequacy of classical mechanics. तो ये जो है वो पेपर थर्ड है बीएससी सेकंड ईयर फिजिक्स का. उस जो पेपर थर्ड है उसका नाम है एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से. तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, और यहीं से ओरिजिन होता है क्वांटम थ्योरी का. तो बड़ा ज़रूरी है कि पहले हम ये जानें क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, और उसके बाद फिर हम बात करें क्लासिकल, उसके बाद हम बात करें क्वांटम थ्योरी के बारे में. तो क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं न्यूटन्स थ्योरी के बारे में. न्यूटन्स के जो सारे लॉ हैं वो क्लासिकल के लॉ कहलाते हैं. तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो जितने नेचुरल टाइप के फिनोमेनाज हैं उन सभी पर न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है, और उसके आधार पर हम पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं. लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स दो जगह पे फेल होती है. जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है वो दो जगह फेल होती है. पहला तो ये कि ऐसे पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो, जो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है कंपेरेबल टू लाइट की वेलोसिटी c, तो उस स्थान पर हमारी न्यूटन्स की थ्योरी जिनके अनुसार जिनके अनुसार हम सारे गति या एंगुलर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम सारा कुछ डिस्कस किए हुए हैं, जितना कुछ हम अब तक पढ़े हुए हैं क्लासिकल के दौरान, वो सारी चीज़ें फेल होती नज़र आती हैं जब कोई ऐसा पार्टिकल हो जिसकी वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के आसपास हो. तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो उस केस में एक नई प्रकार की फिजिक्स आती है जिसे हम बोलते हैं रिलेटिविटी. तो एक नई तरीके की थ्योरी आती है जो रिलेटिविटी के अंतर्गत डिस्कस होती है. और दूसरा जो सिचुएशन है जहाँ क्वांटम जहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स फेल होता है वो स्मॉल पार्टिकल के लिए, स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, स्मॉल पार्टिकल्स. हम जानते हैं कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स था वो हैवी बॉडी के लिए था, हैवी बॉडी के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स. तो हैवी बॉडी के लिए तो ये मैकेनिक्स ठीक था, लेकिन जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और स्मॉल पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस रेंज के, या एटम्स कह सकते हैं या मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं इस तरह के पार्टिकल, तो इतने छोटे से पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके केस में अगर हम क्लासिकल फिजिक्स का फॉर्मूला लगाते हैं जैसे हमारा न्यूटन्स का सेकेंड लॉ फॉर्मूला है, F इक्वल टू ma, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के लिए जिसका मास होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, इतने छोटे मास के लिए हम स्टडी नहीं कर सकते इस फॉर्मूले के थ्रू, क्योंकि मास में हम इतनी छोटी क्वांटिटी में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा यही इफेक्टिव रहेगा. तो इतनी छोटी राशि में हम नहीं यूज कर सकते. तो यहाँ से एक नई थ्योरी की शुरुआत होती है, और भी बहुत सारे इनएडिक्वेसी हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के. इनएडिक्वेसी मतलब होता है विफलता, विफलता या असफलता कह सकते हैं, या कमियाँ, या कमियाँ जिनकी वजह से हमें एक नई थ्योरी पढ़नी पड़ी, वो हम डिस्कस करेंगे. क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि ज़्यादातर चीज़ें ऐसे पार्टिकल्स के बारे में हमें पढ़ना है जिसे हम देख नहीं सकते, विजुलाइज नहीं कर सकते. क्लासिकल मैकेनिक्स हमारा रियल लगता है, जो हमारे दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर दिखाई देती हैं, और सभी को हम कोरिलेट कर पाते हैं न्यूटन्स लॉ से, या उनसे रिलेटिव जितने भी एंगुलर मोमेंटम हैं, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हैं, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह, सारी चीज़ें यहाँ आके फेल हो जाती हैं. तो यहाँ के लिए एक नई थ्योरी आती है, फिर हमें सारे कंसेप्ट को पीछे को भूल जाना पड़ता है, क्योंकि एक नई चीज़ है और यहाँ पे हमें वो ये चीज़ मानना बड़ा
कठिन काम है कि जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं वो सही नहीं है आगे की थ्योरी के लिए या स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, और उन सभी को हम यूज नहीं कर सकते और यहाँ से हमें बिल्कुल एक नए कंसेप्ट को लेकर चलना है। तो शुरुआत में क्वांटम मैकेनिक्स को भी बहुत साइंटिस्ट लोगों ने नहीं माना, बहुत धीरे धीरे तब जाके ये एग्जिस्ट किया। सबसे पहले प्लैंक्स ने थ्योरी दिया 1900 में, उसके बाद फिर आइंस्टीन्स वगैरह आए जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन में उन्होंने बड़ा योगदान दिया। तो वो धीरे धीरे क्वांटम मैकेनिक्स एग्जिस्ट किया, नहीं तो शुरुआत में क्लासिकल मैकेनिक्स के कंपेरिजन में क्वांटम मैकेनिक्स को एक फालतू टाइप ही समझ जा रहा था कि जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है उस तरीके जैसी या कल्पना मात्र जैसी कोई थ्योरी है, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो धीरे धीरे वो एग्जिस्ट हुआ। जिस आइंस्टीन ने क्वांटम मैकेनिक्स को सबसे गड़बड़ कहा था, उसी आइंस्टीन ने क्वांटम मैकेनिक्स को आगे बढ़ाया। तो चलिए देखते हैं कि कमियां क्या थी क्लासिकल मैकेनिक्स की। तो सबसे पहला ये है कि इट डजंट होल्ड इन द रीज़न ऑफ एटॉमिक डायमेंशन। एटॉमिक डायमेंशन मीन्स एटम, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। सो दैट मीन्स इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन, दिस इज़ अ रिलेटिविटी। तो इस केस में जो मोशन होते हैं वो रिलेटिविस्टिक होते हैं, लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स के मोशन हैं ये, इनकी जो वेलोसिटी होती है वो सी से बहुत कम होती है। तो ऐसी वेलोसिटीज़ जिनकी जो लाइट की वेलोसिटी से काफ़ी कम होती हैं उनको हम नॉन रिलेटिविस्टिक बोलते हैं। तो नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन किसके, एटम, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ऑल्सो इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। सो दिस क्लासिकल मैकेनिक्स हैव नो आइडिया अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स। ऑल्सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन ऑब्जॉर्ब्ड स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो हमें एक्सपेरिमेंट में मिला जो स्पेक्ट्रम आया उसको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम मिला था वो कुछ इस तरह का था। तो ये डिस्क्रीट टाइप का शो हो रहा था, जबकि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो कहती है कि ये अलग अलग टेम्परेचर पे था। यहाँ पे लेमडा और ये डिफरेंट टेम्परेचर थे, और यहाँ पे एनर्जी का टर्म था या रेडिएशन। तो उस केस में यहाँ डिस्क्रीट टाइप के एनर्जी शो हो रहे थे, जबकि हम क्लासिकली ये सोचते हैं कि जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कॉन्टीन्यूअस होता है। तो इस तरह से जो क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी थी वो ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ऑल्सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जॉर्ब्ड वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स एंड गैसेस। तो जो वेरिएशन ऑब्जॉर्ब किया गया स्पेसिफिक हीट, किसी मेटल के स्पेसिफिक हीट और या गैस के स्पेसिफिक हीट के लिए, ये वेरिएशन भी यहाँ से सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेन नहीं किया गया। इस चीज़ को हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये थर्ड ईयर के कोर्स में आता है। तो वहाँ हम देखेंगे कि कैसे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल होता है और फिर हम क्वांटम मैकेनिकली इसको हम वेरीफाई कराते हैं एक्सपेरिमेंटल से और थ्योरेटिकल बेसिस पे। ऑल्सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स था वो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो एटम्स होते हैं उनका डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा मिलता है। तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा को भी नहीं कर पाया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स द एनर्जी चेंजेस आर ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस। जो क्लासिकल थ्योरी है वो कहती है कि हमेशा जो एनर्जी में चेंज होगा वो कॉन्टीन्यूअस होगा, ना कि डिस्क्रीट होगा। जैसे हम यहाँ फॉर्म पढ़ते हैं जो प्लैंक्स ने बताया था कि एच न्यू के फॉर्म में लाइट एक एच न्यू के फॉर्म में करती है, एक डिस्क्रीट पैकेट होती है जिस हर पैकेट का जो एनर्जी होता है वो एनर्जी एच न्यू के बराबर होता है, और इसे हम फोटॉन नाम देते हैं। तो ये डिस्क्रीट टाइप से होता है, एच न्यू होगा फिर 2H3H, इस तरीके से। तो कॉन्टीन्यूअस नहीं होता बल्कि डिस्क्रीट टाइप से होता है।
Also, it could not explain a large number of observed phenomena like photoelectric effect, Compton effect and Raman effect. तो हम इस कोर्स में ये चीज़ें भी पढ़ेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक या कॉम्प्टन या रमन इफेक्ट. फोटोइलेक्ट्रिक और कॉम्प्टन इफेक्ट एक पार्टिकल टाइप का फिनोमेना है, तो इसको भी ये काफ़ी स्मॉल स्केल के लिए है, इसलिए चूँकि ये एटॉमिक स्केल की थ्योरी है तो इसको भी क्लासिकल एक्सप्लेन करने में फेल रहा. तो ये सारी इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. ये सारी विफलता फिर डेवलपमेंट की तरफ आई क्वांटम थ्योरी के, कि अब हमें इसे इसकी स्टडी करनी है तो कोई एक नई थ्योरी ईजाद करनी पड़ेगी. तो एक नया मैकेनिक्स आया जो क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से फेमस हुआ. तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, इसको चाहें तो आप पॉज करके लिख सकते हैं, ये सारा नोट्स की तरह लिखा हुआ है. तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए जो फार्मूला दिया था सबसे पहले विंस का जो रेडिएशन का फार्मूला था वो केवल शॉर्टर वेवलेंथ के लिए अप्लीकेबल रहा. ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, बहुत ज़्यादा हम यहाँ फार्मूला वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे. तो जो विंस लॉ था उसमें रेडिएशन का फार्मूला दिया, तो वो केवल शॉर्टर वेवलेंथ के लिए अप्लीकेबल रहा, लॉन्गर वेवलेंथ के लिए अप्लीकेबल नहीं रहा. फिर बाद में रैले और जिन्स ने रेडिएशन के लिए फार्मूला दिया. ये दोनों फार्मूला जो थे वो क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिस पे थे. सो ये दोनों लॉ जो है, और ये जो था जो रैले जिन्स था वो हायर वेवलेंथ के लिए तो सेटिस्फाई रहा, हायर वेवलेंथ के लिए, लेकिन ये शॉर्टर वेवलेंथ के लिए एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं हुआ. तो जो क्लासिकल बेसिस था वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने में असफल रहा दोनों लोगों के द्वारा, विंस और फिर यहाँ रैले एंड जिन्स के द्वारा. तो बाद में फिर प्लैंक्स ने थ्योरी दिया कि जो एनर्जी का एक्सचेंज है, या हम यूँ कहें कि एनर्जी का ट्रांसफ़र है, वो कॉन्टीन्यूअस तरीके से नहीं है बल्कि वो डिस्क्रीट टाइप से है. और उन्होंने उसको प्लैंक थ्योरी अपने क्वांटम सिद्धांत को वहाँ पे यूज़ करके फिर उसको रेडिएशन का फार्मूला दिया. तो उनके अनुसार जो एनर्जी थी वो कुछ इस फॉर्म में थी, क्वांटाइज्ड, जहाँ एन है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इज इक्वल टू 1, 2, 3 इस तरह से. तो इसके बेसिस पे जो फार्मूला दिया रेडिएशन का प्लैंक्स ने, वो जो फार्मूला था वो सभी वेवलेंथ के लिए, शॉर्टर और हायर दोनों वेवलेंथ के लिए अप्लीकेबल रहा. तो क्वांटम एक तरह से एक्सप्लेन करने में सफल रहा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को. तो प्लैंक्स के जो ये थ्योरी थी उसके आधार पे फिर प्लैंक हाइपोथेसिस, ये उनकी थ्योरी आगे बढ़ी. और फिर कई लोगों ने इसको मिलके, जैसे इसी थ्योरी के आधार पर आइंस्टीन ने फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया. फिर उनका एक फेमस इक्वेशन आया फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के रूप में, वो था दिस इज एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसके बारे में और बात करेंगे हम फोटोइलेक्ट्रिक जब डिस्कस होगा. तो ये जो टर्म था वो एक तरह से वर्क फंक्शन टाइप से उन्होंने यूज किया, वर्क फंक्शन, कार्यफलन जिसको बोलते हैं हिंदी में. और ये थी इंसिडेंट लाइट ऑफ एक तरह से फोटोन. तो लाइट को एज अ फोटोन यूज़ किया गया, जो यूवी लाइट इंसिडेंट होती है किसी मेटल के ऊपर,
इसको हमने फोटॉन माना और हर एक फोटॉन की एनर्जी होती है एच न्यू। तो इस बेसिस पे आइंस्टीन ने इसको थोड़ा आगे बढ़ाया। फिर बाद में डुअलिटी आया जो क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में, तो डुअलिटी वहाँ से आई कि जो दे ब्रॉगली ने कहा कि हर मूविंग बॉडी के साथ एक वेव एसोसिएट होता है, हर मटेरियल बॉडी के साथ। तो अगर वेव एसोसिएटेड होगा तो लाइट एक पार्टिकल के रूप में, प्लैंक्स ने वो बताया था कि वो एक डिस्क्रीट पार्टिकल्स के डिस्क्रीट एनर्जी के रूप में होता है और हर एक पैकेट की एनर्जी एच न्यू के बराबर होती है। तो यहाँ से ये थ्योरी में हो गया कि जो लाइट है वो एक डुअल नेचर रखता है। लाइट के वेव नेचर को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लाइट का वेव नेचर अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है पहले से ही क्लासिकल में ही, जहाँ हम लाइट के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं वहाँ हमने पढ़ा है वेव्स के थ्रू इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन के बारे में, या पोलराइजेशन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हम पहले से पढ़े हैं। तो लाइट के वेव थ्योरी को, जो लाइट के वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, और जो पार्टिकल वाला नेचर है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान दिखता है। तो एक तरह से ये डुअल नेचर को शो करता है। और बाद में इसको डेविशन जर्मर एंड जीपी थॉमसन इन लोगों ने मिलके ये प्रूफ किया कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्शन शो करता है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो डुअल नेचर रखता है। तो यहाँ से डुअलिटी की थ्योरी आई। ये सारी चीज़ें वन बाई वन आएंगी। तो ये कुछ डेवलपमेंट का हिस्सा था। इसके बाद श्रोडिंगर की मैकेनिक्स आती है जो वेव मैकेनिक्स के नाम से फेमस है। तो अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा मैटर के बारे में, मैटर वेव के बारे में, मैटर मैटर वेव। तो मैटर वेव को दे ब्रॉगली ने बताया था। ये आता है दे ब्रॉगली हाइपोथेसिस के थ्रू, दे ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो इसमें उन्होंने एक रिलेशन बताया था। तो एक तो उन्होंने ये कहा कि एवरी मटेरियल बॉडी इन मोशन, एवरी मटेरियल बॉडी इन मोशन एसोसिएटेड विथ ए वेव। मतलब ऐसी कोई भी बॉडी जो मोशन में होगी उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, और उस वेव का वेवलेंथ होता है लेमडा इक्वल एच अपॉन पी। यहाँ जो एच है वो प्लैंक कॉन्स्टेंट, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, और पी जो है ये मोमेंटम है। दिस इज इक्वल टू एम वी। तो ये थ्योरी, ये जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से आया कि इन्होंने प्लैंक्स की थ्योरी को यूज़ किया, ई बराबर एच न्यू अकॉर्डिंग टू प्लैंक, और आइंस्टीन का जो एक इक्वेशन था ई बराबर एम सी स्क्वायर, मास एनर्जी रिलेशन। चूँकि ये भी फोटोन की एनर्जी है, एक पर्टिकुलर फोटोन की एनर्जी, ये भी फोटोन के लिए हम यूज करते हैं ई बराबर एम सी स्क्वायर, और इस रिलेशन को हम बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ये पहला ऐसा फार्मूला है जहाँ मास और एनर्जी के रूप में हम डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। तो इन दोनों को यूज करके हम लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एंड दिस एच न्यू कैन बी रिटन एज एच सी बाई लेमडा, एंड दिस इज एम सी इंटू सी, सो सी सी कैंसिल, सो लेमडा इक्वल एच अपॉन एम सी। तो इन जनरल वी कैन राइट एज अ लेमडा इक्वल एच अपॉन एम वी, और यही वी सी हो जाता है फोटोन के लिए, फॉर फोटोन वी इज अ सी। सो दिस इज द दे ब्रॉगली वेवलेंथ, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ दे ब्रॉगली वेवलेंथ, लेमडा इक्वल एच अपॉन पी। अब इस एक्सप्रेशन से हम अलग अलग डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे अगर किसी ऐसा मटेरियल है जो अगर उसकी
वेलोसिटी अगर ज़ीरो है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि एवरी मूविंग बॉडी हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विथ इट, तो अगर किसी भी बॉडी का वेग ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा, तो अगर हम यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो हमें लेमडा क्या मिलेगा, एच अपॉन ज़ीरो मीन्स इनफाइनाइट। तो लेमडा का इनफाइनाइट होना मतलब ये एक वेव शो नहीं कर रहा है, एक इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब ऐसा कुछ संभव नहीं है। तो जो दे ब्रोगली का वेवलेंथ है वो किसके लिए है, सिर्फ मूविंग बॉडी के लिए है। उसी तरीके से अगर हम इसको एक अनदर फॉर्म में रखें, जैसे हमें एक रिलेशन पता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो पी इक्वल होता है अंडर रूट, या सिंपली हम लिखें काइनेटिक एनर्जी के इक्वल पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ से अगर हम पी फाइंड करेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा 2mk, तो पी इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2mk। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल एच अपॉन अंडर रूट 2mk, दिस इज कैपिटल के, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, सम टाइम इट इज यूज्ड एज अंडर रूट 2m एंड e फॉर फ्री पार्टिकल। सो दिस इज फॉर फ्री पार्टिकल, क्योंकि फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल ज़ीरो होता है, तो उस केस में हमारा काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हम फ्री पार्टिकल के लिए लिख सकते हैं ऐसा, फ्री पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल पोटेंशियल एनर्जी, तो हम ऐसा रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। इसी तरीके से हम और एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं लेमडा के लिए, जैसे अगर किसी इलेक्ट्रॉन को कोई वोल्टेज अगर हम देते हैं तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी देंगे कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमारा लेमडा होगा एच अपॉन अंडर रूट ट्वाइस हम और ई की जगह पे ई वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं वैल्यू रख के 6.634 इंटू 10⁻¹¹ अपॉन दिस इज 2 इंटू 9.1 इंटू -10⁻³¹ -31 इंटू दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.6 माइनस इंटू 10⁻¹⁹ इंटू कैपिटल वी। ये सॉल्व करने के बाद आता है कुछ 12.28 अपॉन अंडर रूट वी, और सिंपली वी कैन राइट एज 150 अपॉन वी, एंड दिस इज इन एंगस्ट्रॉम, एंड दिस वी इज इन वोल्ट। जो ये वी होता है वो किस यूनिट में होता है, वो वोल्ट में होता है। तो एक और दे ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन अंडर रूट 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम, और ये होगा वोल्ट में। क्लियर। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर हम इसी थ्योरी को रेस्ट मास के लिए यूज करें तो जो हमारा मास है वहीं पे हम एम नॉट यूज कर सकते हैं। तो सो फॉर रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए जो रेस्ट में हो, तो फॉर इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, सो एम इज इक्वल टू एम नॉट, so this becomes lambda equal h upon m not b। ऐसे भी निकाल सकते हैं एक और एक्सप्रेशन। और अगर हम रिलेटिविस्टिक की बात करें, अगर रिलेटिविस्टी में जाएंगे तो उसके लिए हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि जो मास का वेरिएशन होता है वेलोसिटी के साथ रिलेटिविटी के अंदर में, वो कुछ इस तरह होता है, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे थर्ड ईयर में या कोर्स में है। तो जो ये मास है
अगर ये रिलेटिविस्टिक हुआ तो इसका टोटल जो मान होगा वो इतने के बराबर होगा। तो अगर हमें वेवलेंथ चाहिए इस रिलेटिविस्टिक मास के लिए, तो सिंपली हम यहाँ मास की जगह पुट करेंगे इसको, तो क्या मिलेगा, लेमडा इक्वल एच अपॉन दिस इज एम नॉट, सो एम नॉट इंटू वी, और ये सारा फैक्टर ऊपर चला जाएगा, दैट इज़ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द ब्रॉगली वेवलेंथ। सो दिस आर द वेवलेंथ ऑफ एनी मैटर वेव विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी, दिस आर मूविंग विथ वेलोसिटी वी, हियर इज काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स को जो फेल हो गया उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स हमें लाना पड़ा और सारी नई चीज़ें हमें पढ़नी पड़ी। तो ये कभी कभी एक्सेप्ट करना बड़ा आसान होता है कि जो इतनी चीज़ें हम आज तक पढ़ते आए हैं वो सडनली चेंज हो जाएंगे और सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन ये क्वांटम मैकेनिक्स ऐसा ही है जो हम जिन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं एक कल्पना टाइप का है ये, लेकिन उसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनके बिहेवियर वाइज से बिहेवियर से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किसी ने नहीं देखा, उनके बिहेवियर या उनके ऑब्जर्व से, उनकी प्रॉपर्टी से, उनकी चार्ज जो भी हैं उसके हिसाब से हम उनको पढ़ते हैं और ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए एक मैकेनिक्स हमारी है जो क्वांटम मैकेनिक्स है। सो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम जो क्वांटम इफेक्ट है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड देन क्वांटम मैकेनिक्स वन बाई वन आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।